सर्वोदय नमस्कार ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट द प्रीवियस चैप्टर ऑफ चैप्टर 4 स्टोरिंग मटेरियल्स इनटू द रूट्स। इन द प्रीवियस क्लास स्टूडेंट वी लर्न अबाउट व्हाट इज मैटर, हाउ व्हाट इज द मैटर मेड अप ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, व्हाट इज मेड मैटर इज मेड ऑफ द हाउ डिफरेंट थिंग्स। So student, in this class we learn about the properties of matter, arrangement of molecules, solubility in water, miscible density, that means floating or sinking, and transparency of matters. So student, we know that the properties of matter. Properties क्या होता है, गुण खासियत हम लोग कह सकते हैं। हाउ वुड वी यू डिस्क्राइब द एन एप्पल, अगर हम लोग एप्पल को देखते हैं तो एप्पल को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। यू कैन टॉक अबाउट द साइज, शेप, कलर एंड टेस्ट, फील और स्मेल। हम लोग एप्पल को अगर क्लासीफाई करेंगे, अगर उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे तो उसके साइज के बारे में बात करेंगे, शेप के बारे में बात करेंगे, टेस्ट के बारे में बात करेंगे, स्मेल के बारे में बात करेंगे, तो ये सारा क्या है, टेक्सचर के बारे में। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये क्या है, प्रॉपर्टीज़ है मैटर का, किसका, एप्पल्स का। बट वी नो दैट हम लोग एप्पल्स का ये कर्व है क्या है, किस तरह का शेप है, क्या क्लासिफिकेशन, इसके अलग अलग चीज़ के देखेंगे, खासियत देखेंगे, तो वो क्या है, प्रॉपर्टीज़ है, स्मेल, टेस्ट, ये सारा चीज़, साइज, शेप, क्या है, ये सब प्रॉपर्टीज़ है एप्पल की। उसी तरह हम लोग मैटर्स का भी देखते हैं, ऑल द मैटर कैन बी डिस्क्राइब ऑफ सच प्रॉपर्टीज, हर एक मैटर है ना किसी प्रॉपर्टीज़ पर डिस्क्राइब किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन नॉट मेक अ टूल्स आउट ऑफ द रबर एज द हार्ड वन, अगर हम लोग उसका किसी चीज़ का टूल्स बनाते हैं, सामान बनाते हैं, सपोज डैट हथौड़ा बनाते हैं, एक्स बनाते हैं, तो हम लोग किसके अकॉर्डिंग पे, मैटर से, रबर से नहीं बना सकते हैं। वाई, रबर हैज़ नो प्रॉपर्टी लाइक अ हार्ड, तो हम लोग ऐसा हार्ड चीज़ देंगे जिससे हम लोग टूल्स बना सकें, औजार बना सकें। तो रबर अगर हम लोग लेते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं है हार्डनेस को, तो हम लोग वैसे ही मटेरियल्स को यूज करेंगे जिसमें हार्डनेस हो, डैट मीन्स उसके प्रॉपर्टीज़ को यूज करेंगे, हार्डनेस थिंग्स वाले मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज़ को यूज करेंगे। लेट अस स्टडी द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर के क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। अपीयरेंस, अपीयरेंस क्या होना चाहिए, लुक कैसा होना चाहिए, जैसे पेपर लुक डिफरेंट फ्रॉम क्लॉथ, क्लॉथ से पेपर क्या होता है, अलग दिखता है, तो वुड लुक डिफरेंट फ्रॉम आयरन, बोर्ड लुक डिफरेंट फ्रॉम चॉक, चॉक से बोर्ड डिफरेंट, तो ये सब क्या है, अपीयरेंस, मतलब एक दूसरे से अलग दिखना क्या हो गया, अपीयरेंस। तो ये प्रॉपर्टीज होती है किसमें, हर एक मैटर में। नेक्स्ट है लस्टर, लस्टर क्या है, ए मटेरियल स्पून शाइन वेयर एज वुड स्पून इज नॉट शाइन, अगर हम लोग देखते हैं तो मेटल्स जितने होते हैं, मेटल्स के जो स्पून होते हैं, और अगर हम लोग देखते हैं प्लास्टिक स्पून देखते हैं, तो हम लोग ये कंपैरिजन कर सकते हैं, मेटल्स का जो स्पून है वो शाइन करता है एज कम्पेयर ऑफ प्लास्टिक स्पून। तो व्हाट इज इट, द शाइनिंग इज अ लेक्चर, हम लोग देख सकते हैं ये शाइनिंग है, सिल्क क्लॉथ शाइन करता है, जनरल कॉटन क्लॉथ क्या होता है, शाइन नहीं करता है। तो वी से दैट द मेटल इज अ लेक्चर ऑफ द वुड एंड द सिल्क इज अ मोर लेक्चर देन वुड, सारे मेटल्स में लेक्चर होता है, बट अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो मेटल स्पून में ज़्यादा लेक्चर पाया जाता है एज कम्पेयर ऑफ प्लास्टिक वुल। उसी तरह हम लोग अगर देखते हैं सिल्क क्लॉथ हैज मोर लेक्चर एज कम्पेयर ऑफ कॉटन क्लॉथ। नेक्स्ट थिंग इज टेक्सचर, क्या होता है टेक्सचर किसी मटेरियल्स मेटल्स का, तो डिफरेंट मटेरियल्स फील डिफरेंट वेयर यू टच देम, अगर हम लोग किसी भी मटेरियल्स को टच करते हैं वो डिफरेंट फील, अगर हम लोग चॉक को टच कर रहे हैं तो ये डिफरेंट फील होगा, अगर हम लोग बोर्ड को टच कर रहे हैं डिफरेंट फील होगा एज कम्पेयर, और हम लोग वॉल को टच कर रहे हैं तो वो डिफरेंट फील होगा। तो हर एक मटेरियल्स का टेक्सचर अलग होता है, इस वजह से हर एक चीज डिफरेंट फील होता है। अगर हम लोग देखते हैं रबर को, तो रबर स्मूथ फील होता है एज कम्पेयर ऑफ वुड, वुड के कंपेयर में, वाई, बिकॉज ऑफ द टेक्सचर ऑफ मैटर्स। नेक्स्ट वन इज स्टेट, स्टेट द मटेरियल्स कैन बी प्लेस इनटू द वन ऑफ द थ्री ग्रुप, हम लोग हर एक मैटर्स को थ्री स्टेट में डिवाइड करते हैं, वो थ्री स्टेट क्या है, हर एक मैटर थ्री स्टेट में डिवाइड होता है। वी नो ऑल यू प्रीवियस क्लास में आप देखे होंगे कि
क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो स्टूडेंट द मैटर इज क्लासिफाइड इन द स्टेट, स्टेट के अकॉर्डिंग हम लोग मैटर को तीन भाग में बांटते हैं, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। सॉलिड लिक्विड गैसेस के अकॉर्डिंग हम लोग इसको तीन पार्ट में बांटते हैं। सॉलिड क्या है, सॉलिड इज नॉट इजीली चेंज इन द शेप और वॉल्यूम। सॉलिड अपना इजी वे में शेप और वॉल्यूम को चेंज नहीं करता है। व्हाई, बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड टू ईच अदर। इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत एक दूसरे से टाइट होते हैं। इसके अंदर का जो इंटर मॉलिकुलर फोर्स होता है, एक दूसरे को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स में पकड़ के रखने का कैपेसिटीज जो होता है बहुत हाई होता है। व्हेन वी सी द लिक्विड, लिक्विड चेंज शेप बट नॉट वॉल्यूम। लिक्विड है ना, चेंज कर लेता है शेप और बट वॉल्यूम चेंज नहीं करता है। अगर हम लोग 1 kg दूध को यूटेंसिल्स में डालें या बॉटल में डालें, वो रहेगा 1 kg, उसका वेट वही रहेगा बट उसका शेप चेंज होगा। वो बॉटल का शेप ले लेगा या यूटेंसिल्स का शेप ले लेगा जिसमें आप उसको केप करके रखे हो। इट्स हैव नो शेप एंड इट्स हैव सेम वॉल्यूम। सेम वॉल्यूम क्यों होता है और शेप इसका डिफरेंट क्यों होते हैं, बिकॉज इट्स इंटर मॉलिकुलर फोर्स और इंटर मॉलिकुलर स्पेस। इसके आसपास इसके जो मॉलिक्यूल्स के जो शेप होते हैं सॉलिड के बहुत टाइट होते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ज्वाइंट होते हैं। बट जो लिक्विड के जो इंटर मॉलिकुलर फोर्स होते हैं और इनका जो इंटर मॉलिकुलर स्पेस होता है थोड़ा लूज होता है एज कम्पेयर ऑफ सॉलिड। इस वजह से इसका क्या होता है, लिक्विड का शेप डिफरेंट होता है बट वॉल्यूम सेम रहता है। नाउ वी कम फ्रॉम अ गैसेस, वी नो डैट गैसेस ईजिली चेंज द शेप और वॉल्यूम। गैसेस क्या कर लेता है, ईजिली वे में शेप चेंज कर लेता है शेप और वॉल्यूम, बिकॉज इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, मतलब इसका इंटर मॉलिकुलर फोर्स बहुत कम होता है और इंटर मॉलिकुलर स्पेस भी बहुत कम होता है। आपस में जो कॉम्बिनेशन होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अटैचमेंट होता है बहुत दूर होता है, इस वजह से इसका शेप और वॉल्यूम दोनों चेंज हो सकता है। अगर हम लोग एग्जाम्पल दें तो सॉलिड का अगर एग्जाम्पल लें तो हम लोग आइस क्यूब हो गया, वुड हो गया, पेंसिल हो गया, ये सॉलिड। लिक्विड में क्या हो गया, पेट्रोल, ऑयल, वाटर, मिल्क, ये सब लिक्विड आ गए। गैसेस में हाइड्रोजन, हीलियम गैसेस, एयर, ये सारे क्या हैं, गैसेस हैं। नाउ वी लर्न अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस अटैच ईच अदर। हर एक मॉलिक्यूल्स होते हैं हर एक सब्सटेंस में, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस और एनी मैटर में, सबका मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होता है अलग अलग तरीके से। द थ्री स्टेट मैटर ऑफ द डिफरेंट प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। ऑलरेडी हाँ मैंने बताया है कि आपको कि हर एक मैटर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में मैटर क्यों अलग अलग होते हैं, इनका अरेंजमेंट कैसे होता है। सो इन अ सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड, दे आर वेरी क्लोजली टूगेदर, दे अटैक ईच अदर वेरी स्ट्रॉन्गली। हम लोग देख चुके हैं, ये सब पढ़ चुके हैं। दीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कीप टूगेदर। द पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड आर वेरी फिक्स। जो सॉलिड के पोजिशन होते हैं बहुत ही टाइट होते हैं, दे कैन ओनली वाइब्रेट फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। ये सिर्फ वाइब्रेट हो सकता है फिक्स पॉइंट पे, व्हाई, दिस इज बिकॉज द सॉलिड हैज अ डिफिनेट शेप और वॉल्यूम। इसी कारण सॉलिड का डिफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है। सिंस इट इज़ डिफिकल्ट टू मेक द मॉलिक्यूल्स मूव अवे फ्रॉम द ईच अदर, सॉलिड हैज रिग्रिड एंड हार्ड। इसी कारण क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स का इंटरैक्शन होता है, अरेंजमेंट होता है, इसी कारण सॉलिड क्या होता है, हार्ड होता है और रिग्रिड होता है। नेक्स्ट लिक्विड, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या होते हैं, लेस टाइटली पैक्ड होते हैं। मॉलिक्यूल्स फर्दर अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से थोड़ा कम जुड़े होते हैं। दे डो नॉट अटैच स्ट्रांगली, एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली अटैच नहीं होते हैं। पोजिशन इनका जो मॉलिक्यूल्स का होता है लिक्विड का फिक्स नहीं होता है। द मॉलिक्यूल्स कैन मूव अराउंड द लिक्विड, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। लिक्विड है इसलिए लिक्विड क्या होता है, रिगिड नहीं होता है, मतलब जटिल नहीं होता है और इसका कोई डेफिनेट सेप नहीं होता है। नाउ इन अ गैसेस, गैसेस में क्या करते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपार्ट फ्रॉम द हार्डली बाय अट्रैक्शन बिटवीन देम, एक दूसरे का जो मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन होता है
बहुत दूर दूर होता है, वो मूव कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, कहीं भी एक दूसरे से यहाँ से वहाँ भी कहीं भी इजीली वे में जा सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से कम्पैक्टली स्ट्रांगली और लाइटली अटैच होते हैं। हेंस द गैसेस इज नो फिक्स शेप, इसी कारण गैसेस का कोई फिक्स शेप और कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होते हैं। द मॉलिक्यूल्स मूव अराउंड द फुल शेप अवेलेबल देम दे, दैट इज वाई गैस फिल द स्पेस अवेलेबल, इसलिए गैस क्या करता है स्पेस ले लेता है। नाउ वी लर्न अबाउट द सॉल्युबिलिटी इन वाटर। वाटर एक ऐसा कंपाउंड है, हम लोग देखते हैं कि ये बहुत सारी चीज़ को अपने अंदर सॉल्युबल कर लेता है। सॉल्युबल मतलब अपने आप में घोल लेता है। तो यहाँ पे तीन चीज होता है, वाटर सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। तो वाटर क्या है, वाटर अपने जो जिसमें घुल रहा है, मतलब वाटर अपने में घोलने की कैपेसिटी रखता है किसी चीज़ को, इसलिए क्या है सॉल्वेंट है। और जो चीज़ घुल रहा है, सपोज डेट वाटर में अगर हम सॉल्ट को घोलते हैं तो सॉल्ट क्या हो गया सॉल्यूट, और दोनों का जो मिक्सचर हो गया वो क्या कहलाया सॉल्यूशन। तो सॉल्ट इज अ सॉल्यूबल इन वाटर, सॉल्ट क्या है वाटर में सॉल्यूबल है, डैट मीन्स इट इज़ अ सॉल्यूबल मटेरियल्स, ये क्या है सॉल्यूबल है। बट वी कैन व्हेन वी पुट द सैंड इन वाटर, अगर हम लोग वाटर में सैंड को डाल देते हैं अगर उसको मिलाते हैं तो वो वाटर में कैपेसिटी नहीं है कि सैंड को अपने आप में मिला ले घोल ले, तो ये क्या हो गया इनसॉल्युबल ऑफ वाटर। सो वाटर में जो सॉल्युबल है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर कैसे है, जिस जो अपने में वाटर अपने में डैट मीन सॉल्वेंट अपने में जिस चीज़ को घोल ले रहा है वो क्या हो गया उसमें सॉल्युबिलिटी है, अदरवाइज नहीं है। नो मिक्सर ऑफ वाटर कोकोनट ऑयल इन द सेम इन द वे, अगर हम लोग वाटर में कोकोनट ऑयल लेते हैं, जनरल ऑयल लेते हैं, अगर उसको सॉल्युबल करते हैं तो दोनों एक दूसरे में कुछ भी सॉल्युबल नहीं होता है, तो डैट इज इट इज अ अनसॉल्युबल। नाउ व्हाट इज लिक्विड, ए मिसरेबल और इमिसरेबल, क्या होता है व्हाट इज द टर्म ऑफ मिसरेबल। मिसरेबल लिक्विड विच मिक्स ईच अदर इज कॉल्ड द मिसरेबल, मतलब एक लिक्विड दूसरे लिक्विड्स के साथ एक दूसरे के साथ मिल जाएगा तो वो क्या कहलाएगा मिसरेबल। सपोज दैट वाटर और एल्कोहल, वाटर और एल्कोहल को हम लोग अगर मिलाते हैं तो एक दूसरे में मिल जाता है। मिल्क और वाटर बोथ आर द लिक्विड, हम लोग एक दूसरे के साथ मिलाए तो वो क्या हो गया मिल गया, तो ये क्या हो गया मिसरेबल एग्जाम्पल हो गया। मतलब ऐसे लिक्विड जो दूसरे लिक्विड के साथ ईजी वे में मिल जाए घुल जाए वो क्या हो गया मिसरेबल। नेक्स्ट द इमिसरेबल, द थिंग्स द लिक्विड विच आर नॉट मिक्स विद, द लिक्विड डू नॉट मिक्स विद ईच अदर इज कॉल्ड इमिसरेबल, जो लिक्विड एक दूसरे के साथ नहीं मिलते हैं वो मिसरेबल होता है। सपोज दैट वाटर और ऑयल, अगर हम लोग वाटर और ऑयल्स को देखते हैं तो ऑयल क्या होता है ऊपर फ्लोट करता है, जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी वो क्या होता है डेंस में हो जाता है, और जिसकी कैपेसिटी कम होगी मतलब जिसकी क्वांटिटी कम होगी, सपोज दैट अगर तेल में हम लोग पानी डालेंगे तो पानी ऊपर फ्लोट करेगा, और अगर वाटर में हम लोग ऑयल डालेंगे तो ऑयल ऊपर फ्लोट करेगा, मतलब जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगा वो डेंस में होगा नीचे में होगा, और जिसकी लेस क्वांटिटी होगी वो फ्लोट करेगा। तो बोथ आर इमिसरेबल बिकॉज ये एक दूसरे के साथ नहीं मिलते हैं, दैट मींस इट इज़ द टर्म ऑफ इमिसरेबल। आई होप स्टूडेंट यू लर्न दिस वेरी वेल। नाउ वी लर्न ऑफ द डेंसिटी, द मास पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज डेंसिटी। जो मास होता है यानी कि वेट होता है किसी भी मैटर का पर यूनिट में वो क्या कहलाता है डेंसिटी कहलाता है। इस सब्सटेंस आयरन एल्युमिनियम विच हैज अ डेंसर देन वाटर इन द सिंक ऑफ वाटर, हम लोग देखते हैं आयरन जो होता है स्टील हो गया ये सब क्या हो गया जिसके पास मास होता है वो इज लेसर देन, हम लोग वाटर में डालते हैं तो जिसका डेंसिटी जिसका मास ज़्यादा होगा, आयरन देखिए आयरन और स्टील का मास ज़्यादा है डैट मीन्स उसकी क्या हो गया मासेस ज़्यादा है तो वो क्या करेगा वाटर में सिंक हो जाएगा नीचे डूब जाएगा, क्यों उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। अगर हम लोग वुड का बात करें पेपर का बात करें पेपर ले उसको अगर हम लोग वाटर में डालेंगे तो वो फ्लोट करेगा, व्हाई बिकॉज उसका मास कम है उसकी डेंसिटी कम है इस वजह से वो फ्लोट करता है। देन यू नो दैट द डेंसिटी इज द मास ऑफ द यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द डेंसिटी, द मास ऑफ द यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इज नोन एज डेंसिटी। किसी भी मैटर का अगर डेंसिटी ज़्यादा होगा तो वो वाटर में क्या कर लेगा सिंक
मैटर कैन बी क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोट और सिंक इन वाटर। हम लोग मैटर को क्लासीफाई करते हैं उसके बेसिस पे भी कि वो वाटर में फ्लोट कर रहा है और सिंक कर रहा है। डैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी इज लेस और हाई। और किस बेसिस पे करते हैं सिंक और फ्लोटिंग का पर्पस, कि उसकी डेंसिटी कम है या उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। सो नाउ वी लर्न अबाउट द ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या है? ट्रांसपेरेंसी दो तरह का चीज़ होता है। यहाँ पे दो चीज होता है। यू कैन सी द ग्लास। हम लोग ग्लास को देखते हैं, स्टील्स को देखते हैं। अगर हम लोग देखते हैं तो ग्लास में लाइट पास करने की कैपेसिटी होती है। हम लोग ग्लास के एक साइड से दूसरे साइड को देख सकते हैं। दैट मीन्स इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट। ये क्या है? ट्रांसपेरेंट है मतलब पारदर्शी है। एक जगह से दूसरी जगह को देखने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती। लाइट को पास करा सकता है, इमेजेस को एक जगह से दूसरी तरफ के चीज़ को देखने में कोई दिक्कत नहीं होती, वो ट्रांसपेरेंसी हो गया। और हम लोग क्या है ओपेक, जैसे मैं स्टील, स्टील को के पीछे, स्टील के सामने स्टील लाइट को पास नहीं करता, ये रिफ्लेक्ट कर देता है। हम लोग स्टील के चीज़ को देख के उसके पीछे के चीज़ को नहीं देख सकते हैं, तो ये क्या हो गया ओपेक। नाउ देयर दो टर्म ऑफ द ट्रांसपेरेंस। द मोस्ट ऑफ द लाइट कैन पास थ्रू द ऑब्जेक्ट इज ट्रांसपेरेंट। जैसे ऑब्जेक्ट जिससे लाइट पास हो जाए वो क्या होते हैं ट्रांसपेरेंट। जैसे ग्लास हो गए, प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या है ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, जिससे क्या होता है लाइट इजी वे में पास कर जाता है। ओपेक ऑब्जेक्ट इज दोज ऑब्जेक्ट इफ लाइट कैन नॉट पास फ्रॉम द ईच। ओपेक ऑब्जेक्ट वैसा ऑब्जेक्ट हो गया जिसमें क्या होता है लाइट पास नहीं होता है। जैसे बुक के पीछे लाइट पास नहीं होता है, वुड हो गया, बहुत सारा ऐसा मटेरियल्स है जो लाइट को पास नहीं कर सकता है। वन मोर थिंग्स, द लाइट कैन पास थ्रू द पार्टली। एक ऐसा और मटेरियल्स होता है जो लाइट को थोड़ी पास करता है, पूरी तरह से पास नहीं कराता है, ग्लास की तरह, तो उसको क्या कहते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। सो थ्री ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू ट्रांसपेरेंसी आर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट जो लाइट को पूरी तरह से पास कर दे, ट्रांसलूसेंट जो लाइट को थोड़ा पास कर सके, पार्टली पास कर सके, और ओपेक लाइट को जरा भी पास नहीं कर सके। अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग ये भी, इसके अकॉर्डिंग भी हम लोग मैटर को क्लासिफाई करते हैं, उसका यूज करते हैं और डिफरेंट मटेरियल्स बनाते हैं। वी कैन नॉट सी थ्रू द ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के हम लोग पार देख नहीं सकते, बट ट्रांसपेरेंट और फॉरेस्टेड ग्लास यूज फॉर द बाथरूम विंडो इज ट्रांसलूसेंट। जो बाथरूम विंडो के लिए जो विंडो में बहुत सारे ग्लासेस लगते हैं वो क्या होते हैं ट्रांसलूसेंट। लाइट पास हो जाते हैं, बट हम लोग ट्रांसलूसेंट ग्लास में ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के आर पार नहीं देख सकते हैं। आई होप स्टूडेंट यू कैन लर्न ऑल दिस थिंग्स। नेक्स्ट थिंग्स इज एयर इज अ ट्रांसपेरेंट। एयर क्या है ट्रांसपेरेंट, इसीलिए हम लोग एयर यहाँ पे अवेलेबल है, लेयर बना हुआ है एयर का हमारे आगे, लेकिन फिर भी हम लोग देख सकते हैं। तो वाई, बिकॉज इज एयर इज ट्रांसपेरेंट, दैट इज वाई एबल टू सी अराउंड अस। वाटर इज अ क्लियर फॉर ट्रांसपेरेंट मटेरियल। वाटर भी क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसके हम लोग आर पार देख सकते हैं। बॉटल के, बॉटल हम लोग रखे रहते हैं उसमें वाटर फिल होता है, तो हम लोग क्या वाटर बॉटल के उस पर नहीं देख सकते जिसमें वाटर फिल है, देख सकते हैं। वाई, बिकॉज इज अ वाटर इज ऑल्सो अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। नेक्स्ट वन है मैटर कैन बी क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। मैटर को हम लोग इसके बेसिस पे भी क्लासीफाई करते हैं कि वो ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है या ओपेक है। स्टूडेंट आई होप यू लर्न ऑल दिस थिंग्स इन दिस चैप्टर। आई होप सो रीड एट होम, कीप हेल्दी एंड स्टे होम। थैंक यू।